الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ها
हमा किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ात इलम यज़िल्लुला यज़ाल की ज़ात अक़दस के लिए, सिद के दिल से ला तादात मरतबा दुरूद व सलाम इमाम उल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए, क़सस उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असबाक हम पढ़ रहे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को मैं दोहरा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाते ही मिस्र से फ़लस्तीन के जाने का इरादा फरमाया। और बनी इसराइल को भी लिया और चल दी है। रास्ते में बाहरे कुलजम पड़ा, फिरौन को पता चला, उसने पीछा किया। और जब ये हजरात पानी के किनारे पहुँचे तो अल्लाह ज़ुलजलाल वल इकराम की तरफ से हुक्म आया अपने कलीम को कि समंदर पर लाठी मारें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाते ही लाठी को मारा। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, अल्लाह ने पानी को टुकड़े कर दिया। फिरौन या फिरौनियों के साथ जो हुआ वो पढ़ने से पहले एक दो बातें इस बाब की और अर्ज करते चलें जो बड़ी सबक आमोज भी हैं और याद रखने वाली हैं। और एक बात जो ख़ास कर शायद मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह, वो मुनाज़िरे इस्लाम मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुनाज़रा था जो हज़रत का एक पादरी साहब के साथ हुआ। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के जो अल्फाज थे, यकीन फरमाएं कि आबे ज़र से लिखने के काबिल थे, याद रखने के काबिल थे। यानि मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को, रिसालत को उनके आगे इस तरह दो और दो चार करके रखा कि अब उनके लिए दो ही रास्ते रह गए थे, या वो मान लेते या जिद में आ जाते। वो मैं आखिर में थोड़ा सा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उलमा ने इस बाब में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर चले तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो एक वसीयत फरमाई थी अपने ज़माने में कि एक वक्त आएगा कि बनी इसराइल यहाँ से जाएंगे तो मेरी ये उनको वसीयत होगी, तुम आगे वसीयत करते जाना, जब वो यहाँ से जाएं तो अपने साथ हमारे वजूद को भी ले जाएं और वहाँ ले जाकर दफन करें जहाँ हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं, यानी कि फ़लस्तीन।
उलमा ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब जाने का वक्त आया तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पैगाम आया कि जाते जाते अपने संग हमारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वजूद को भी ले जाइएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उलमाए बनी इसराइल से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र का पूछा। किस्सा मुख्तसर करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पाक वजूद को निकाला गया। उलमा ने लिखा है कि पुरानी किताबों से पता चलता है कि मोहतरम का वजूद उस ज़माने में संगे मरमर के ताबूत में रखा गया था, और ज़ाहिर बात है कि पैगंबर का वजूद था, इसलिए कोई और बात तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी हमारे उलमा ने ये बात लिखी है अपनी किताबों में कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए 15 सदियां हो रही हैं, लेकिन उलमाए देवबंद ने लिखा है कि आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक वजूद अपने रोज़ा में इस तरह है जिस तरह ताज़ा बहार का फूल होता है। ये भी सिर्फ एक मिसाल है, इसलिए कि पैगंबर पैगंबर होते हैं, उस जहान के असरात पैगंबरों के पाक वजूदों पर नहीं आते। गलत या खतरनाक या भयानक ना, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा की मजलिस में फरमा दिया था कि अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने जमीन पर हराम किया है कि वो हमारे वजूद को खाए, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाद को खाए। हर्रमा अलल अर्ज अन ताकुल अजसाद अल अंबिया औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर का फरमान है। इसलिए उलमा ने लिखा है बावजूद इसके कि सदियां गुजर चुकी थी हजरत यूसुफ को दफन हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजूद निकाला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाक वजूद को अपने संग ले गए। और उलमा ने लिखा है हजरत की वसीयत के मुताबिक जब फलस्तीन पहुंचे तो वहीं दफन किया जहां की हजरत की वसीयत थी। और बाद अकाबिर ने लिखा वो उस ज़माने में फ़लस्तीन का एक गांव था जहां हज़रत के पाक वजूद को दोबारा दफन किया गया। एक तो ये बात, दूसरी बात, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह का मुनाज़रा पढ़ने से पहले एक दो बातें और भी सुन लें। मैंने अभी अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बाहरे कुलज़म पर आए और अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की कुदरत से वो तो पार हो गए, ये हम साबका दुरुस्त में पढ़ लिए। पीछा जो कर रहा था फिरौन और फिरौनी, उलमा ने लिखा है लाखों अल्लाह बेहतर जानते हैं, माना ये कि ला तादाद बहुत बड़ी तादाद में अपनी फौज लेकर वो पीछा करने आया था। क्योंकि मैंने किसी साबका दर्स में करीब ही शायद पढ़ाया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बनी इसराइल भी चले थे, पुरानी किताबों के हवाले से तो वो भी 6 लाख थे, तो जाहिर है फिर उसने इतनी बड़ी तादाद गर बनी इसराइल की थी तो फिर उनके लिए फिर वो भी लाखों ही फौज लाएगा। लेकिन एक बात, उसकी हालत पढ़ने से पहले जहां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसके गर्क होने को बयान फरमाया है, उन पाक आयात से पहले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बद्दुआ का जिक्र किया है। अल्लाह अज़ुल जलाल वल इकराम के पाक पैगंबर ने उस मौके पर अल्लाह की पाक बारगाह में क्या अर्ज किया वो थोड़ा सा सुने, उसके बाद मैं अगली बात अर्ज करूंगा।
अल्लाह ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ابا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم आगे पैगंबर ने फरमाया, फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाब अल अलीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया था कि अल्लाह आपने अपनी नेमतों से नवाजा है इसको और इसके मानने वालों को, फिरौन और फिरौनियों को। अल्फाज पे गौर फरमाए, रब्बना इन्नका बेशक तूने आते ता फिरौन व मलाहू, फिरौन और उसके माने वाले फिरौनी, आते ता फिरौन व मलाहू जीनत व अमवालन फिल हयातिद दुनिया, यानी माल से, अमवाल से, नेमतों से, जीनत से, माल से, वो तो भरे हुए थे। यानी अकाबे ने लिखा है कि जवाहरात की कानें थी उसके पास जो मिस्र से हबशे तक फैली हुई थी और सब पर उसका कब्जा था। और हदीस पैगंबर ये भी बताती है, कभी किसी के जहन में ये इश्काल ना आए कि ऐसों को ऐसा कैसे नवाजा गया। अल्लाह की हिकमतें हैं, उस पाक जात की हिकमतों का इहाते कौन करे। हदीस शरीफ में पैगाम यह दिया गया है कि यह जो दुनिया है कुदरत खुदावंदी के हां इसकी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं है, इसलिए उनको कुदरत नवाजे तो इसमें हैरानगी की कौन सी बात है। फिर एक बात दूसरी भी उलमा ने लिखी है कि शान है अल्लाह की, किसी को अल्लाह देकर आजमाते हैं, किसी से अल्लाह लेकर आजमाते हैं। फरमाया, अल्लाह आपने इनको हर नेमत दी है लेकिन नतीजा, रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक, अल्लाह चाहिए तो यह था कि ये आपकी उन नेमतों की कदर करते, उल्टा इन्होंने वो नेमतें बरक्स इस्तेमाल की, बर्बाद करके रख दिया। कौन सा वो जुल्म था जो उन्होंने नहीं किया, लोगों को तेरी राह से रोके। अब आगे हजरत मूसा ने रब्बनत मिस आला अमवालिहिम वशदुद आला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाब अल अलीम। अच्छा, यहां पर बाज़ हजरात के जहन में मुमकिन आ सकता है कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्त बद्दुआ क्यों की। उलमा ने इसके कई जवाब दिए हैं, उनमें एक मोटी सी बात सुन ले ज़हन में। उलमा ने लिखा है इस मौके पर, ये तो हज़रत मूसा ने बाद में की है ना, उलमा ने लिखा है कि फिरौन और फिरौनियों के जो हालात, जो करतूत थे, वो इस मौके पे याद कर लो, फिर हर इश्काल ख़त्म हो जाएगा। आपके मुल्क के सबसे बड़े आलिम ने लिखा है इस पाक आयत की तफसीर के मौके पर कि यह होता है कि अल्लाह माफ फरमाए, इस तरह के लोग जो फिरौन या फिरौनी थे, कभी कभी ये इतना जुल्म करते हैं कि इंसाफ पसंद इंसान उनको बगैर सजाए पाए देखे चैन नहीं पाता। वो नहीं मान सकता कि भाई इतने जुल्म के बाद अब ये सजा भी ना पाए। एक बात, दूसरी बात उलमा ने लिखा है कि यह भी मुमकिन है कि अल्लाह अज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह खबर दे दी गई हो कि जिन्होंने मानना था अब मान लिए हैं, जिन्होंने नहीं मानना था वो नहीं माने। तब हजरत मूसा ने यह बद्दुआ की कि अल्लाह जब नहीं मानना है तो फिर। आगे अल्लाह ने फरमाया,
قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا, अल्लाह ने फरमाया आप दोनों की दुआ कबूल हुई। उलमा ने लिखा है यहां पहले नाम हजरत मूसा का था, यहां अल्लाह दोनों को ले आए हैं। قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, قرآن پاک کے عجیب الفاظ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے پہلے اللہ اے حضرت موسیٰ کا ذکر, یہاں اللہ دونوں کو لے آئے, دوسرے کون تھے؟ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے, حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے جب کسی دعا پر آمین کہہ دیا تو گویا انہوں نے بھی وہی دعا کی ہے۔ آمین یہ خود دعا ہوتی ہے, جب اگلی دعا پر آمین کہہ دیا تو مانا کہ اس دعا میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ لیکن اس پہ ذرا توجہ فرمائیں, فاستقیما, اللہ نے یہاں جو پاک لفظ ارشاد فرمایا استقامت کے لیے کہ استقامت اختیار کرو, ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اس کا کیا معنی ہے؟ اور فرمائیں اللہ نے ارشاد فرمایا نا, قال قد اجیبت دعوتکما, آپ دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کی۔ اب ساتھ ہی میں فرمایا فاستقیما, استقامت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا علماء نے لکھا ہے بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بد دعا فرمائی ہے نا, اللہ نے تو فرما دیا کہ ہم نے قبول کی۔ فاستقیما استقامت کا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے بد دعا اللہ نے قبول فرما لی تھی, لیکن اس بد دعا کی ظاہری صورت ظاہر کے طور پر سامنے آئی 40 سال کے بعد۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بس استقامت اختیار کرو, اب ہمارا کام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ان لوگوں کے پیچھے کبھی نہیں چلنا کہ جو نہیں جانتے۔ یہاں کیا معنی ہوا؟ علماء نے لکھا ہے سمجھتے چلے جاؤ کہ قدرت سمجھا رہی ہے کہ دعا مانگتے رہو, اگر قبولیت کا اثر ظاہر ہونے میں وقت لگ رہا ہو تو بدل مت ہو جا۔ وہ ذات جانتی ہے اپنی حکمتوں کو, اور وہی ذات جانتی ہے کہ کب کس وقت دعا یا بد دعا کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ اور ہمارے پر ہو تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ کبھی کبھی انسان اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے مفید سمجھ کر, لیکن انسان کا علم کامل نہیں ہے, اس لیے جو شے مانگ رہا ہوتا ہے یا جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو دینی ہے یا نہیں دینی, اور دینی ہے تو کب دینی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے احادیث طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ دعا کرتے رہو, اگر اس کا اثر ظاہر ہونے میں وقت لگے بد دل مت ہو۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا, علماء مفسرین نے لکھا ہے فاستقیما استقامت پہ رہو, ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, ایسے لوگوں کی راہ کبھی نہیں چلو جو نہیں جانتے۔ ان آیتوں کا معنی سمجھ میں آیا؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ اب آگے سنیں جو بات سنانی تھی۔ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی تو دعا قبول ہو گئی, یہاں اللہ تعالیٰ نے خود واضح ارشاد فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما۔ ان کے واقعات یعنی فرعون اور فرعونی کے, فرعونیوں کے, وہ پڑھنے سے پہلے اس باب میں مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے جس مناظرے کا میں نے ذکر کیا ابتدا میں, تھوڑا سا اس کو سنیں۔ لیکن اس شرط یا گزارش کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ بات یاد رکھیں گے, موقع ہوتا ہے نا, بات ایک ذہن میں رہتی ہے اپنی جگہ, انسان کو یاد بھی نہیں ہوتی لیکن جب موقع آتا ہے تو یاد آ جاتی ہے۔ تو کبھی بات کرنے کا اگر موقع ملے تو ضرور بات کریں, لڑنا جھگڑنا مقصد نہیں ہے۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے, اگر سامنے والے کوئی بات کر رہے ہیں تو بات سے جواب دو, سامنے والے کوئی سوال یا اعتراض کر رہے ہیں تو جواب دو, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر وہ بات سنیں۔
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर कुलजम को पार कर गए। वइज फरकना बिकुमुल बहरा, बाहर कुलजम को फाड़ा किसने था? अल्लाह ने। अल्लाह ने उस फटने की निस्बत अपनी तरफ की है, उस फाड़ने की निस्बत अपनी तरफ की है। वइज फरकना बिकुमुल बहरा, हमने फाड़ा है उसको। ये बात जहन में रखें, फाड़ा किसने? अगला सवाल छोटा सा, जो बाहर कुलजम फटा हजरत मूसा और बनी इसराइल के लिए अल्लाह की कुदरत से, वो जमीन पे था या आसमान पर? सोच के बताएं। ये दो बातें जहन में रखें। अब मुनाजरा सुने तो बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। याद रखें, मुनाजरा उलमा ने लिखा है हमारे अकाबिर की। अब दौर खत्म हो गया, अब उमूमन हर जगह तो नहीं लेकिन उमूमन, हो सकता है कोई अगर मेरे इन जुमलों के साथ इख्तलाफ करे तो अपनी जगह, मुतलकन तो फायदे से इनकारी नहीं है लेकिन कभी कभी मुनाजरे से नुकसान होता है। उसकी वजह यह है, कसूर मुनाजरीन का हो या ना, आपका और मेरा जरूर होता है। उसकी वजह यह है, हम जानते ही नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात, मुनाजरे की अपनी इस्तिलाहात होती हैं। जब हमारे लोग इस्तिलाहात को जानते ही नहीं हैं, वो जो सामने मुनाजर बात कर रहा है उसकी बात समझ ही जब नहीं सकूंगा मैं, तो मेरा दिल मुतमईन होगा? बोलो, मुझे कभी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि वो जो कह रहा है वो मेरे लेवल से ऊपर का है तो मुझे कहां समझ में आएगी। हां, एक ही बात मैं करूंगा, जिसके साथ आया हूं उसकी जय जयकार करूंगा, वो सही कह रहा है तब भी करूंगा, वो गलत कह रहा है तब भी करूंगा। यही वजह है कि मुनाजरे से फायदे के बजाय अब, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, हर इल्म की हर बाब की अपनी इस्तिलाहात होती हैं। हुजूर की उम्मत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफिया हुए हैं, सूफिया और होते भी हैं, सूफिया होते हैं या नहीं, असफिया सूफिया, ये याद रखो आप। तरियाके अकबर में लिखा हुआ है कि सूफिया ने ये वजाहत के साथ लिखा था कि जो शख्स हमारी इस्तिलाहात नहीं जानता वो हमारी किताबें ना देखे। उन्होंने क्या नसीहत फरमाई? जो हमारी इस्तिलाहात नहीं जानता वो हमारी किताबें, उसकी वजह उलमा ने लिखी है कि जो सूफिया की इस्तिलाहात नहीं समझते थे, उन्होंने जब सूफिया की इबारात पढ़ी तो उन पर कुफर के फतवे लगाए, हालांकि सूफिया की अपनी इस्तिलाहात थी। सूफिया वो माना मुराद ही नहीं ले रहे थे जिसके ऊपर ये कुफर के फतवे दे रहा है, इसलिए वो शुरू में लिख देते थे अपनी किताबों के कि भाई जो हमारी इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं है वो हमारी किताबें ना पढ़े। अहले इल्म अहले इल्म होते हैं। कोई बात समझ में आई है? इसलिए नेट पर ये मुनाजरे अगर आप सुना करो, अगर मुनाजरों की ये इसलिए बता रहा हूं, इस्तिलाहात नहीं जानते तो मत सुना करो, मोतबर बड़े उलमा के दुरूस सुना करो, उससे इंशाल्लाह आपका अकीदा महफूज रहेगा, खराब नहीं होगा, कोई झोल होगा उठ जाएगा। लेकिन मुनाजरों से आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकोगे अगर आप मुनाजरों की इस्तिलाहात नहीं जानते, एक बात। दूसरी बात, किसी सवाल के जवान मेरी तरफ रहे, किसी सवाल के उमूमन दो जवाब होते हैं, एक जवाब होता है इफ्ता का, एक जवाब होता है मुनाजिर का। ये याद रखें, एक जो जवाब मुनाजिर देता है ना वो उमूमन इल्जामी जवाब होता है। इल्जामी जवाब का मकसद होता है सामने वाले का मुंह बंद करना। अच्छा, सामने वाले का मुंह बंद भी हो जाए तो दिल का इश्काल उससे मिट जाए, ये जरूरी है? बोलो। इल्जामी जवाब का मकसद होता है सामने वाले का मुंह बंद कर दो, तहकीकी जवाब होता है इफ्ता का, जिस पर फैसला होता है, वो मुनाजिर नहीं देता। मुनाजिर का मकसद यह होता है कि अपने सामने वाले के सामने बात को पेश करें, अगर वो कोई इल्जाम दे रहा है तो उसको तोड़कर उसका मुंह बंद कर दो, उसकी बात पूरी हो जाएगी। आगे तहकीकी जवाब का काम होता है इफ्ता का। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये दो फर्क आप समझ लोगे जब मुनाजिर मुनाजरा करेगा कि आया वो जो जवाब दे रहा है वो इल्जामी है या तहकीकी है, तो फिर आपको उनका मुनाजरा समझ कैसे आ जाए आप? वरना कभी, अल्लाह माफ करे, कि जो नेट पर मुनाजरे लोग देखते हैं आखिर में झगड़े देखो क्यों हो रहे हैं,
उसकी वजह यह है कि सामने जो हमारे मेरे और आपकी तरह सामीन बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है इस्तिलाहात का, तो वो कैसे समझेंगे? कोई बात समझ में आई है? मैं एक दो सबकन ये बातें अर्ज किया हूं आपको। अच्छा खैर, जो बात अर्ज कर रहा था, मौलाना मोहम्मद अमीन नुकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुनाजरा हुआ पादरी साहब से, तो ध्यान दें, मेरी तरफ रहे वरना बात नहीं समझ में आएगी। मुनाजरा था हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात अगर जहन में रख कर आप समझें, हजरत मूसा की नबूवत पर तो कोई बहस नहीं करते। हजरत मूसा खुदा के वो नबी हैं जिनको यहूदी भी नबी मानते हैं, जिनको ईसाई भी नबी मानते हैं, और जिनको हम मुसलमान भी। अच्छा, तो जब हजरत की नबूवत पे सबका इत्तेफाक है तो मुनाजरा होगा? फिर तो ला हासिल बात है ना कि जब तीनों इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं तो मुनाजरा क्यों होगा? अच्छा, अगली बात आए, हजरत ईसा की जो नबूवत है या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, यहूदी और ईसाई हुजूर को अल्लाह का नबी मानते हैं? बोलो, नहीं मानते। आप और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। तो इस पर मुनाजरा था। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पादरी साहब थे उनसे मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखें, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हम सब का इत्तेफाक है, मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं। मसलन हजरते मूसा, अभी मैंने जिक्र किया हजरते मूसा, उन पर तो कोई बहस नहीं। पादरी साहब ने कहा जी कोई नहीं। उनने फरमाया ऐसा करें आप, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पे दलील दें ताकि हमें पता चले कि आपके नजदीक किस तरह की दलील से नबुव्वत साबित होती है। फिर जो जैसी दलील आप हजरत मूसा के लिए देंगे उस दलील से इंशाल्लाह बढ़कर मैं दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत पे दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत की बात माकूल थी या गैर माकूल? अच्छा, आप सुन, पादरी साहब ने यसाया नबी की किताब, अब ध्यान मेरी तरफ दें वरना बात नहीं समझ में आएगी, यसाया नबी की किताब खोली और उससे एक आयत पढ़ी कि एक कंवारी हामला होगी और बच्चा जनेगी जिसका नाम अमानुईल रखेंगे। इस पर मैं अभी बात नहीं करता वरना इस पर बड़ी बहस है। हजरत केरानवी हजरत अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो आयत आपने यसाया नबी की किताब से पढ़ी है इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? पादरी साहब ने कहा कि पेश गोई फरमा रहे हैं हजरत यसाया, इस पेश गोई से नबुवत साबित हो रही है हजरत मसीह की। मेरा मकसद यह है कि नबुवत साबित होती है पेश गोइयों से। अगर बाद में आने वाले नबी की पेश गोइयां पहले मौजूद हैं तो नबुवत बाद में आने वाले नबी की साबित हो गई। पादरी साहब के कहने के मुताबिक अब हुजूर के लिए पेश गोई पेश करनी चाहिए थी ना? बोले मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपसे कहा है कि इत्तेफाकी पैमाना पेश करो, पेश गोई कायदा कुलिया नहीं बन सकता कि आप हर जगह लागू करें। उसकी वजह यह, हजरत ने फरमाया अगर आप पेश गोई को कायदा कुलिया बनाओगे ना तो मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि पहले हजरत आदम के लिए पेश गोई पेश करो, मैं आपसे मुतालबा करूंगा हजरत नूह के लिए पेश गोई पेश करो। अच्छा, जब हजरत आदम या हजरत नूह के लिए पेश गोई साबित ना हुई तो क्या फिर वो अल्लाह के नबी नहीं रहेंगे? बोलो, तो पेश गोई तो कायदा कुलिया नहीं बन सकता ना। ऐसा पैमाना पेश करो कि जो कायदा हर जगह चल सके। कायदा कुलिया किसको कहते हैं? जिसे आप अपनी जुबान में मास्टर की कहते हैं। आप समझ आई बात कि नहीं समझ आई? कायदा कुलिया इसको जो हर जगह पे फिट आ सके। हजरत ने फरमाया पेश गोई कायदा कुलिया थोड़ा। किस्सा मुख्तसर करें, इतने में उन्हीं के एक अजीज खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, हमारे दूसरे पादरी साहब आ रहे हैं, आप उनसे यही बात करें। वो आ गए जिनके मुंतजिर थे। उन्होंने दलील पेश की कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहरे कुलजम फट गया। हजरत मूसा के हाथ पर ये इतना बड़ा मोजज़ा था
कि हम, वो ईसाई था ना, उसने अपनी तरफ इशारा किया कि हम भी उनको हजरत मूसा को अल्लाह का नबी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और आप यानी हम मुसलमान भी मानते हैं। माना ये इन पादरी साहब ने मोजज़े को बतौर दलील के पेश किया है, इतने वाजे मौज, उनका इतना वाजे मौजज़ा है मौलाना ये हजरत मूसा का कि वो देखने और पढ़ने के बाद हजरत मूसा की नबूवत में किसी को शक नहीं रहा। पादरी साहब की ये बात माकूल थी कि नहीं? अब सुने, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनकी बात पूरी हुई तो मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। वो तो मुनाजिर इस्लाम थे, वो तो उस्ताज़ुल उलमा थे, वो तो सुल्तानुल मुनाजरीन थे। खैर बहरहाल मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया, पादरी साहब बिल्कुल अब बात एक पैमाना तो समझ में आया ना, सामने आया ना कि भाई इतना वाज़े आपने मोजज़ा पेश किया कि हजरत मूसा की नबूवत में ना आपको शक रहा, ना हमें रहा, ना यहूदियों को रहा, अब एक पैमाना तो समझ में आया। उनका जी, पादरी साहब ने कहा मैंने तो पेश कर दिया है पैमाना, आपने कहा था कि आप इससे बढ़कर पेश करेंगे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप पेश करो। पादरी साहब का मुतालबा सही था गलत था? अब वो बैठ गए, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई पादरी साहब ने वो इज फरखना बिकुमुल बहर, जिस हजरत मूसा के मौजज़े का जिक्र कुरान में आया, बाइबल में आया, उसको बतौर पैमाने के पेश किया है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हजरत ने फरमाया पादरी साहब से कि पादरी साहब बात अगली करने से पहले आपसे एक सवाल करूँगा। पादरी साहब ने कहा जी ज़रूर करें। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया जो बहरे कुलज़म हजरत मूसा और बनी इसराइल के लिए अल्लाह के हुक्म से फटा था वो ज़मीन पर था या चौथे आसमान पर था? पादरी साहब ने कहा ज़मीन पर था, चौथे आसमान पर कहाँ था? सही जवाब है कि नहीं? ज़मीन पर था। हजरत ने फरमाया बिल्कुल। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया पादरी साहब यही तो बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जिन पैगंबर का मोजज़ा ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ उनकी नबूवत में ना आपको शक है, ना हमें शक है, ना यहूदियों को शक है, लेकिन जिन आमना के लाल का मोजज़ा फिज़ा में ज़ाहिर हुआ, कुरान कहता है एक तरबत सावन शक्कल कमर, पैगंबर ने उंगली की, चांद फट गया। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया हजरत मूसा ने लाठी मारी, दरिया फट गया, वो दरिया ज़मीन पर था, इतना वाज़े मौजज़ा था, किसी को हजरत मूसा की नबूवत में शक नहीं रहा, तो उन पैगंबर की नबूवत पे कैसे शक करके बैठे हुए हो जिनके मौजज़े फिजाओं पे जाहिर हो रहे हैं? सही बात है या गलत बात है? अब अगर कोई, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना कि कोई शख्स कहे कि जो चिराग जमीन पर जलता है वो तो उजाला देता है लेकिन आसमां पे चमकने वाला सूरज उजाले नहीं देता। जिन पैगंबर का मौजज़ा ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ उनकी नबूवत में किसी को शक नहीं, जिन पैगंबर का मौजज़ा फिज़ा में ज़ाहिर हुआ, और इसमें कोई शक नहीं, याद रखें बाज़ लोग आए हैं उन्होंने इक तरबतिस्सा वन शक्कल कमर माजी के सीगे का माना इस्तकबाल से किया है। मौलाना केरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा केरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मोहतरम केरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इजहारुल हक बाइबल से कुरान तक में 19 सफात में इस सवाल का जवाब दिया है। एक तरबतिस्सा वन शक्कल कमर, हजरत ने लिखा है चांद फटेगा नहीं, चांद फट गया था। बोलो, एक सीगा इस्तकबाल का है जो बाद में होता है, एक सीगा माजी का है जो हो चुका होता है। हजरत केरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह के एतराजात के हर एतराज को जमा कर कर, मोतरिज के हर एतराज को जमा कर 19 सफात में इन एतराजात के जवाब दिए हैं कि एक तराबतिस्साहवन शक्कल कमर, हुजूर अलैहिस्सलाम मीना में थे, ना मानने वाले आए, हुजूर से इसी मौजज़े का मुतालबा किया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। अच्छा, सहाबा फरमाते हैं एक गारे हिरा इस तरफ, एक गारे हिरा के
उस तरफ, ये रहा, देख लिए, जब सब देख लिए फिर मिल गया। लेकिन आप यकीन करें, हजरत कासमी साहब फरमाते थे जिन्होंने मुतालबा किया था वही पास आके कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो समझते थे आपका जादू इंसानों पे चलता है, आज पता चला आपका जादू फिजाओं पे भी चलता है। हजरत किरानवी ने फरमाया, अल्लाह ने तो फरमाया चांद फट गया था, तुम इसका तर्जमा फटेगा के क्यों कर रहे हो? एक बात। दूसरी बात, लफ्ज माजी, सीगाए माजी के साथ ये लफ्ज आया है, याद रखें, वन शक्कल कमर का जो जुमला है ये सीगाए माजी के साथ आया है, इसका तर्जमा इस्तकबाल से करना, जाहिर से फेरना है कि नहीं माने को, अगर मेरी बात समझ आ रही हो तो, फेरना है ना। साहिब कसस उलंबिया ने लिखा है कि औलमाए कलाम का यह कायदा है कि पाक कलाम की किसी आयत को बगैर किसी वजह के जाहिर से नहीं फेरो। यहां कौन सी वजह है जो हटा रहे हो? इसलिए मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिन पैगंबर का मौजजा जमीन पे जाहिर हुआ उनकी नबूवत में किसी को शक नहीं है, ना होना चाहिए, तो उन पाक पैगंबर की नबूवत में कैसे शक कर बैठे हो जिनके मौजजे फिजाओं पे जाहिर हुए। वह इस फरक ना बी कुमुल बहरा, अब समझ में आई क्या निस्बत है? एक तराबती सावन शक्कल वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बकाया इंशाल्लाह आइंदा सुन्नतें पढ़ते।